Hi guys, welcome to my channel Beauty Style Lata. Today I will show you Valentine Day makeup look. तो ये है makeup look. If you like my video, then please like, share, comment and don't forget subscribe to my channel. Thank you. मेरे सारे यूट्यूबर दोस्तों को मेरी तरफ से Happy Valentine Day. कलर बार का प्राइमर यूज कर रही हूँ. ये मैं नोज, चीक और चिन में लगा लूंगी. इससे जो ओपन पोर्स है वो क्लोज हो जाएगा और मैं जो फाउंडेशन लगाऊंगी वो अच्छे से सेट हो जाएगा. फाउंडेशन में यूज कर रही हूँ मेबलिन सुपरस्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन. इसका शेड है हनी 320. डॉट डॉट करके मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी. अब मैं फाउंडेशन ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ मेबलिन एज डिवाइन कंसीलर. इसका शेड है मीडियम शेड. ये मैं लोअर आइज, चिन, नोज, फोरहेड और जॉ लाइन के पास लगा लूँगी चीक पे. ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ एक ग्लोइंग लुक उठ के आएगा. शैम्बोर के कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ. पाउडर ब्रश से मैं कॉम्पैक्ट पाउडर पूरे फेस पे लगा लूँगी. मैंने जो फाउंडेशन और कंसीलर लगाया है वो ऑयली और पैची लुक नहीं होगा. आईब्रो कर लूँगी. मैं मिस क्लियर के आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. इसका शेड है लाइट ब्राउन. ब्रश से मैं आईब्रो ब्रश, जो एंगुलर ब्रश होता है, उससे मैं लाइट कलर का ग्रे कलर लेके आईब्रो को अच्छे से और ब्लेंड कर रही हूँ. शुगर के आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ. इससे मैंने ब्राउन कलर के आई शेडो पिक किया है. ब्राउन कलर से मैं एक क्रीज कर लूँगी, लाइट क्रीज करूँगी और आईज़ के आउटर कॉर्नर में हल्का सा विंग कर लूँगी. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हिलरी हुडा के आई शेडो पैलेट. इससे मैं रेड कलर के आई शेडो यूज़ करूँगी. ये आई शेडो मैं आईलिड पे लगा लूँगी. आईज़ के इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक मैं अच्छे से लगा लूँगी. नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये ग्लिटर पैलेट. ये ग्लिटर पैलेट से मैं ये रेड कलर के आई शेडो यूज़ करूँगी. ये मैंने जो रेड कलर के आई शेडो लगाया है मैट कलर आईलिड पे, उसके ऊपर ही मैं ये ग्लिटर रेड कलर में लगा लूँगी. इसमें आईलाइनर यूज़ कर लूँगी. आईलाइनर में अपर आईज पे लगा लूँगी. मैंने जो विंग बनाया है ये विंग के साथ मैच करूँगी. इनर कॉर्नर से थोड़ा पतला रहेगा और आउटर कॉर्नर में थोड़ा थिक कर दूंगी कि अच्छा एक विंग दिखे. इस ऊपर के लाइन की जो ब्लैक कलर के आई शेडो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ और सिर्फ विंग आईलाइनर में
लगा रही हूँ। ये कंसीलर ब्रश से मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और विंग को एकदम शार्प कर लूँगी। अब मैं आईलाइनर से थोड़ा हल्का विंग कर लूँगी। आईज के इनर कॉर्नर को भी पॉइंट आउट कर लूँगी। लोअर आईज पे मैं रेड कलर के आई शेडो लगा लूँगी। कलर बार के ये सिल्वर कलर का पेंसिल है, आई पेंसिल, ये मैं लोअर आईज पे लगा लूँगी। कलर बार के जो काजल हैं ये मैं अपर आईज के अंदर लगा लूँगी। आईलैशेस कर्लर यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ शैम्बोर के मस्कारा, ये मैं अपर आईलैशेस और लोअर आईलैशेस में लगा लूँगी। मस्कारा मैं डबल कोट कर लूँगी। पैक के कॉन्ट्रोल पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं चिक पे कॉन्ट्रोल कर लूँगी। जॉ लाइन में भी मैं कॉन्ट्रोल कर लूँगी। फोरहेड में कॉन्ट्रोल कर लूँगी। नोज में मैं कॉन्ट्रोल कर लूंगी पतले से ब्रश से। कलर बार के ब्लश यूज कर रही हूँ, इसका शेड है कोरल क्रेविंग, ये मैं चिक पे ब्लश कर लूंगी। मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर में यूज कर लूंगी, चिक पे मैं हाइलाइटर लगा लूंगी। चिन में भी मैं हाइलाइटर कर लूंगी। नोज में मैं हाइलाइटर लगा लूंगी। आईब्रो को भी मैं हाइलाइटर लगा लूंगी। आईज के इनर कॉर्नर में भी मैं हाइलाइटर लगा लूंगी। लिपस्टिक में यूज कर रही हूँ शुगर की लिपस्टिक, इसका शेड है 52 नंबर शेड। कलर बार के फिनिशिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ, इससे मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। ये है मेरे फाइनल लुक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।